क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। नीचे आपको ये सम दिया हुआ है, इन आइडेंटिटीज को आपको प्रूव करना है। दोस्तों इनमें से एक क्वेश्चन आपका पेपर में ज़रूर आता है और इनसे रिलेटेड जो इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने में जिन फॉर्मूलों का यूज़ होता है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं। ये वो फॉर्मूलेज हैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देख लेना। तो चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ये LHS है, ये RHS है, आपको ये इक्वल प्रूफ करने हैं। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको कुछ इस तरह से चेंज करना है ताकि हमारा एक सम बन जाए। अब आप देखेंगे कि कोसेक थीटा जो होता है ये वन अपॉन साइन होता है और कॉट जो होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। तो इनको इस तरह से चेंज करने से नीचे दोनों तरफ साइन आ जाएगा। तो मैं इस कॉसेक को चेंज करता हूँ, ये मेरा वन अपॉन साइन थीटा हो गया और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है, इनका होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर ही इनका एलसीएम लेता हूँ मैं, तो एलसीएम इन दोनों टर्म्स का जो आएगा वो साइन थीटा आता है, ऊपर एज इट इज आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा और सारे का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को मैं बारी बारी से दोनों के लिए सेपरेट लगाता हूँ, तो ऊपर मेरा बन जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी इसमें लग सके। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है दोस्तों वो होता है आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो अगर इसमें से सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाती है आपकी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए इसको इस तरह से चेंज किया है। तो अगले स्टेप में ऊपर वाला तो आपका एज इट इज रहेगा, और नीचे ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज हो गया, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है। अब नीचे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं वन को वन स्क्वायर भी मान लेता हूँ तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाती है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यानी कि नीचे वाले जो ये नीचे वाले को ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे जिसमें मेरा ए वन है और बी कॉस है, ऊपर वाला एज इट इज सेम रहेगा। ऊपर वाले को मैं एक्सपेंड करके दो बार लिख लेता हूँ, और नीचे मेरे ये दो फैक्टर बन जाएंगे, एक बार वन प्लस कॉस थीटा और एक बार वन माइनस कॉस थीटा। तो अब देखेंगे आप ध्यान से कि वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा, ये वो जो ऊपर नीचे हैं ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। तो जो बचेगा आपका वही आपका RHS बच गया, वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा ही आपका RHS था और यही आपका आंसर है। इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी करते हैं। सेकेंड पार्ट में है कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लेफ्ट लेफ्ट साइड है आपकी, इसको प्रूफ करना है आपको टू सेक ए के बराबर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ये आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के नीचे इन्हें हम किसी चीज़ में चेंज तो कर नहीं सकते साइन कॉस को, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं एलसीएम लेकर। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं,
तो फर्स्ट स्टेप में आपको इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर क्या आएगा, इस एलसीएम से जब इसकी आपकी डिवाइड होगी तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए, और कॉस ए की ऊपर वाले कॉस ए से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ प्लस। इसी तरह से इधर इधर आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि इसे एज इट इज़ लिख लेना है, और यहाँ पर लग रही है आपकी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर की, और ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है आपका ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, प्लस 2, ए इसमें 1 है और बी इसमें आपका साइन ए है, अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इसमें जो नीचे वाली चीज़ है दोस्तों, ये एंड तक आपको एज इट इज सेम टू सेम लिखनी है। इस सम के ऊपर जो भी चीज़ चेंज होगा सारा वो न्यूमरेटर में ही होगा, एंड में आके आके ये जो चीज़ है आपकी ये कट जाएगी। तो अब देखेंगे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, इन दो नंबरों को यूज़ करके आपका ये आइडेंटिटी होती है, मेन आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो इन दोनों की जगह पे 1 लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। इन्हें मैं एक साथ लिख लेता हूँ, 1 यहाँ आ गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ, 1 एक साथ, प्लस और 2 1 2 और साइन ए यानी कि 2 साइन ए, नीचे सेम टू सेम। अब ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये 1 लिख लिया, ये 1 इधर उतार लिया, और प्लस 2 साइन ए इसके आगे लिख दिया, नीचे एज इट इज सेम टू सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 और 1 आपका प्लस होकर 2 हो जाता है, 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे एज इट इज सेम टू सेम, कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर दो टर्म्स हैं आपकी, इन दो टर्म्स में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 दिखाई देगा जो कि कॉमन है, तो इस 2 को कॉमन ले लेना है। 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में मेरा बच गया 1 प्लस, और सेकंड टर्म में 2 तो बाहर आ गया तो सिर्फ साइन ए रह गया, और नीचे एज इट इज सेम टू सेम। अब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए सेम फैक्टर्स हैं, ऊपर नीचे आपके कट गए, तो क्या बचा, ऊपर तो बच गया आपका 2, और यहाँ है 1 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए है तो 2 तो इसका कॉफिशेंट है, तो 2 एज इट इज आ गया, और 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए होता है आपका sec ए, और यही आपका RHS था।